हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पम्पकिन यानी कि कद्दू, कद्दू की सब्जी। तो ये मैंने आधा किलो सब्जी ली है, पम्पकिन ली है, जिसे हम पहले काट लेंगे। कुछ लोग इसे छिलकर बनाते हैं, कुछ लोग छिलके के साथ ही बना लेते हैं, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप छिलकर बनाएं। इसका ये जो है इसे हम निकाल देंगे अच्छे से, इस तरह से निकाल कर, और इसके पीछे का जो छिलका है उसे हम छील लेंगे। और ये बहुत टेस्टी बनती है, आप इसमें हल्का सा खटाई डालकर बनाएं। और अभी तो गर्मी के दिन में अमियां मिलती है, तो आप अमियां डालकर बनाएं। मैं भी वैसे ही बनाने वाली हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है। देखिए इसका छिलका उतर गया, अब इसे हम धो लेंगे, फिर हम इसे काटेंगे। तो इस तरह से मैं सभी का छिलका उतार लूँगी। तो देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, आप भी इस तरह से कट कर लें, धो लें पहले, इसे साफ़ कर लें और इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें। मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दी थी, अब ये गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, इसे गर्म होने देंगे। दो बड़े चम्मच हैं। अब मैं सूखे मसालों में दिखा देती हूँ। ये है मेथी हाफ टेबल स्पून, और ये है जीरा, और ये लाल मिर्च। आप जब भी बनाएं तो लाल मिर्च ही डालें, सूखी हरी मिर्च बिल्कुल ना डालें, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। लौकी कद्दू में इसे हम चटकने देंगे। अब ये चटक चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे दो प्याज कटी हुई, इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। इसमें मेथी का दाना डालना इम्पॉर्टेंट है, उससे इसमें टेस्ट आती है, तो आप ज़रूर मेथी का दाना ज़रूर डालें। और हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तब इसमें हम लौकी डाल देंगे यानी कद्दू। कद्दू को डालकर मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे मिक्स कर ढक देंगे। 5 मिनट मुझे कवर करके ढके हुए पकाए हुए हो चुके हैं, तो इसमें अब हम डाल देंगे आम कसा हुआ। आप कस कर डाल सकती हैं, या उसे टुकड़ों में इसी तरह काट कर डाल दें, वो गल जाएगी। या फिर आप चाहें तो इस तरह से पेस्ट बनाकर डाल सकती हैं, तो मैं पेस्ट ही डाल रही हूँ 1 स्पून, ताकि हमें इसे हल्का सा खट्टा का टेस्ट आए। और फिर इसमें हम डाल देंगे हल्दी हाफ टी स्पून, और इसे कवर कर मिक्स कर कवर कर ढक देंगे पकने को। तो देखिए हमारी पम्पकिन की सब्जी तैयार है, बहुत टेस्टी बनी है, अच्छी बनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। सो थैंक यू।